हेलो एवरीवन, आज आप क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 जिसका शीर्षक है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ, मेरी जीवन की पहली भूमिका, इस चैप्टर को आप समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका वार्मर क्या है, हैव यू एवर एक्टेड इन अ प्ले, क्या आपने कभी कोई अभिनय किया है, व्हेन एंड वेयर वाज इट, कब और कहाँ, व्हाट रोल डिड यू प्ले, आपने किसका रोल निभाया, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर कीजिए, लोगों से बताइए, विद योर क्लासमेट, अपने दोस्तों से। आई वॉज इन क्लास 4 व्हेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल, लेखक कह रहा है कि जब मैं क्लास 4 में था तब मैं अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार, उस नाटक का नाम था श्रवण कुमार। एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और मैं श्रवण कुमार का भूमिका निभा रहा था। द डायरेक्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, डायरेक्टर कौन था, क्लास 9th का एक स्टूडेंट। द स्पेक्टल्स दैट ही वोर वर इनफ टू इम्प्रेस मी विद हीज कैपेबिलिटीज, वो जो क्लास 9th का स्टूडेंट है वो चश्मा पहन रखा था जो प्रभावी दिख रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि हाँ एक डायरेक्टर बन सकता है, इसे डायरेक्टर होना चाहिए, इसीलिए मुझे बहुत प्रभावित कर रहा था, ऐसा लेखक ने कहा। एट हीज कमांड, उसके कहने के अनुसार, क्योंकि डायरेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, वो कहेगा कि ऐसा ऐसा करो, डायरेक्टर है। एट हीज कमांड ऑफ All of us, हम सभी उसके कहने के अनुसार, acting in the play, जैसा जैसा वो कह रहा था मैं वैसा वैसा नाटक हम सभी कर रहे थे, ऐसा लेखक ने कहा। Had bought धोती and साड़ी of our mother and sister in order to decorate the stage and give the effect of a flowing river, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे खत्म। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, कि वो जो डायरेक्टर है उसके कहने के अनुसार से उन्होंने कहा कि अपनी अपनी घर से क्या लाना है, धोती और साड़ी लाना है। तो लेखक कहता है कि हम सभी अपने अपने घर गए और वहाँ पर अपनी माता और अपनी बहन की जो धोती और साड़ी थी उसे उठा लाया। क्यों लाया, तो उन्होंने कहा था कि डेकोरेट करना, इन ऑर्डर टू डेकोरेट, सजाने के लिए, किसके लिए, डेकोरेट यानी सजाना है, और साथ ही साथ ऐसा इफेक्ट दिखाना है कि जैसे स्टेज पर लगे कि एक नदी बह रहा हो, इसीलिए उन्होंने कहा धोती ले आओ। A bucket full of water was kept at the place where Sarvan Kumar went to fetch water for his old blind parents. एक बाल्टीन पानी रखा गया वहाँ पे जहाँ पर उसे पानी भरने के लिए जाना था, किसको, श्रवण कुमार को। Two boys played the role of the blind parents of Sarvan Kumar. दो लड़के, लिखा कह रहे कि मेरे क्लास के दो लड़के श्रवण कुमार के माता पिता का रोल निभा रहा था। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस, यहाँ पे फुल स्टॉप है, अब इसे समझिए। तो कह रहे कि उनको निर्देश दिया गया था, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया गया था कि आपको हमेशा अपनी आँखें बंद रखना है और दोनों को एक साथ बैठना है स्टेज के बीच में, ऑडियंस के सामने, जो दर्शक हैं उसके सामने। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर्स साड़ी द आंचल वाज विच वुड स्लाइड डाउन मेनी अ टाइम, उसमें से दो लड़की में से एक लड़का बोधराज है, एक का नाम बोधराज है, जो कि श्रवण कुमार के माता का रोल निभा रहा था। किसका, श्रवण कुमार के माता का रोल निभा रहा था। वो जो साड़ी पहन रखा था उसकी अपनी माँ की साड़ी थी, जो साड़ी वो पहन रखा था वो साड़ी बार बार फिसल जा रहा था उसके सिर पर से, स्लाइड डाउन मेनी टाइम्स, कई बार। द कर्टेन रोज, पर्दा उठ गया। ऑन हेयरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार वी आर वेरी थर्स्टी, जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई देता है श्रवण कुमार को कि बेटा वी आर वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, जैसे वो सुनता है आई टुक अ लोटा, यानी लेखक कहता है जैसे मैं ये बात सुनता हूँ मैं लोटा उठाता हूँ, टच
टच्ड देयर फीट एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर, और मैं नदी की ओर चल देता हूँ, पहले मैं उसका पैर छूता हूँ और नदी की ओर चल देता हूँ। किंग दशरथ, राजा दशरथ एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। राजा दशरथ एंटर करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश किया कहाँ से, तो वो पर्दे के पीछे था, वहाँ से प्रवेश किया। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज माउस्टेक, वो इधर उधर घूम रहे हैं और अपनी मूछों पर ताव दे रहे हैं, माउस्टेक मीन्स मूछ। ऑन हेयरिंग सम साउंड ही टुक आउट एन एरो फ्रॉम हिज क्वेवर ऑन हिज बैक एंड एक्सक्लेम्ड विच एनिमल इज पॉल्यूटिंग द रिवर वाटर। जैसे ही उसने कुछ आवाज़ सुनता है, उनको जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से वो कहते हैं कि कौन जानवर है जो नदी के पानी को गंदा कर रहा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तरकस से तीर निकालता है और एक तीर चला देता है। लिखा कह रहा है कि आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द फ्रूप एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। आप सुनिए, लिखा कह रहा है, लिखा कह रहा है कि मैंने देखा वो जो तीर चलाया था वो तीर सीधा छत की ओर गया, रूप मिस छत, छत की ओर गया, लेकिन मैं नीचे लेट गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और मैं रोने लगा। क्या यहाँ पे एक गीत दी गई है, उस गीत को गाते हुए लेखक रोने लगा, कह रहा है कि ओ कुरवल व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, ओ कुरवल मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे तीर मारा। व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माय ब्लॉसम, तुमने मेरे छाती में तीर क्यों मारा। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। व्रेच्ड मनहूस यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर, मैं जब पानी भर रहा था तुमने मुझे तीर मार दिया, ऐसा लेखक ने कहा। और ये गीत है गाते हुए। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस अस्टनेट द ऑडियंस इन द हॉल, मैं जो गा रहा था वो आवाज़ थोड़ा बहुत तेज था, आवाज़ बहुत तेज था जिसके कारण से ऑडियंस भौंचक रह गया। आई कैप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग दैट इट सीम्ड देयर वॉज नो एंड, मैं बिना रुके इंटरप्टली बिना रुके मैं गाता रहा। लॉन्ग जो गाना है वो गाना बहुत लंबा था। मीनवाइल इसी बीच किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू विद वन लेग इन फ्रंट एंड मदर एट द मीनवाइल किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू विद वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक। इसी बीच जब मैं गा रहा था, लेखक कह रहा कि जब मैं गा रहा था तो दशरथ एक पैर पर बैठा हुआ है लाइक अ स्टैचू, स्टैचू की तरह। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कम्प्लीट माई सॉन्ग, वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं गाना ख़त्म कब करूँगा। ही हिज वो हिज बो फेसिंग मी, उसका जो धनुष था वो मेरे सामने था। If he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake. But the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done. यदि वो अपना तीर दोबारा चलाता है तो ये बात तो साबित हो जाएगा कि उसने पहले जो तीर चलाया था वो तीर गलत चल गया, तो वो दूसरा तीर चला नहीं सकता है। लेकिन डायरेक्टर के द्वारा उसे कहा गया था कि तुम्हें केवल एक ही तीर चलाना है जो कि वो पहले ही चला चुका है। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माई वॉइस वेंट हार्स आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, कह रहा है कि मैंने मुश्किल से आधा गाना गाया, ऐसा लेखक कह रहा है, गाना गाया कि मेरी जो वॉइस है ना वो खराब होने लगा, बिल्कुल खराब, बेसुरा। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, मैं देख रहा हूँ कि जो ऑडियंस है वो जोर जोर से हंस रहा है। ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ सरवन कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज्ड, जो सरवन कुमार के माता पिता का रोल निभा रहा था उन्हें बहुत कठिनाई महसूस हो रहा था अपनी आंखें बंद करके रखने में, क्योंकि लोग हंस रहा था तो वो भी सोच रहा था कि थोड़ा देख लेते क्या हो रहा है। समटाइम्स वन एंड समटाइम्स द अदर वुड ओपन देयर आइज, कभी कभी वो लोग अपना आंखें खोल खोल करके देखने लगते हैं। वन सींग दिस, जैसे ही लोग देखा, वन सींग दिस
द ऑडियंस ऑडियंस स्टार्टेड जिगलिंग एंड रिमार्क्ड सी ही इज अगेन ओपेंड हिज आईज। जैसे ही ऑडियंस ने देखा कि देखो वो अंधानी का रोल कर रहा है कि ये आंखें खोल खोल के देख रहा है, तो सभी लोग उसे उस पर हंसने लगा, जिगलिंग ने हंसने लगा। सडनली द ऑडियंस ब्रस्ट आउट लाफिंग when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Sarvan Kumar's blind parent. अचानक ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि पल्लू जो है ना उसके सिर पर से नीचे गिर जा रहा था, स्लाइड डाउन, और बोधराज जो कि माता पिता के रोल निभा रहे थे, बोधराज जो कि सरवन कुमार की माँ का रोल निभा रहा था, अब ये लोग क्यों हंस रहा था, सुनिए। द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल। सेवन का होता है मुंडा हुआ सिर, तो वो जो बोधराज का सिर था वो मुंडा हुआ सिर था, बाल नहीं था, जिसके कारण से ऑडियंस और जोर से हंस रहा था क्योंकि पल्लू जैसे नीचे गिरेगा तो टकला दिख जाएगा, टकला दिखेगा तो लोग हंसेगा, तो इस कारण से वो जोर जोर से हंस रहा था, कौन, ऑडियंस। आफ्टर अ वाइल वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सरवन कुमार वॉज सीन ओपनिंग हिज आईज, समबडी इन द ऑडियंस शाउटेड लुक लुक अगेन ही कैन सी। कुछ समय बाद जो व्यक्ति सरवन कुमार के पिता का रोल निभा रहा है उसने आंखें खोल लिया और वो देख रहा है कि क्या हो रहा है ऑडियंस में, तो जैसे उसने आंखें खोला तो लोगों ने देख लिया ऑडियंस, तो ऑडियंस जैसे ही देखा तो कहे देखो 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 लुक लुक, वो देखो फिर से आंखें खोल करके देख रहा है, ऐसा ऑडियंस ने कहा। टाइम एंड अगेन लाफ्ट अरोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड। लेखक क्या सुन रहा है, लोग जो जो से तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और शोर हो रहा है, किस चीज़ की, तो क्लैपिंग की, लोग तालियां बजा रहे हैं। देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेखक ने क्या किया, गाना बंद कर दिया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वो मर चुका है। द हॉल अप्लॉडेड विद क्लैपिंग, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बालराज। बालराज कौन है, लेखक के भाई हैं, ठीक है, अभी ये जो टीचर हैं इनके टीचर हैं, किसका, लेखक का, और वो ऑडियंस में ही बैठा हुआ है और बालराज भी ऑडियंस में बैठा हुआ है, तो टीचर बालराज से कहता है कि देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, लुक वाट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ, मेरे मृत्यु के बाद, एज अ सरवन कुमार के रूप में, अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स क्रॉसिंग द किंग। मेरे मृत्यु के बाद कुछ डायलॉग्स बच गए थे, किनके, तो दशरथ कुमार के, तो वो दशरथ कुमार अपने डायलॉग बोलते हैं और उनके जो माता पिता हैं ओल्ड पेरेंट वो उनको क्रस यानी श्राप देते हैं। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप, और उन्होंने सब कुछ भूल गया और फिर से खड़ा हो गया। द ऑडियंस ब्रस्ट इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर, और जो ऑडियंस था, जो दर्शक थे, वो जोर जोर से हंसने लगे। समबडी टॉन्टेड, कुछ लोग तो टॉन्टेड यानी ताना मारने लगे, कीप लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। बट आई गॉट सो कन्फ्यूज दैट आई डोंट नो वॉट टू डू, और उन्हें नहीं पता था, वो कन्फ्यूज हो गया था लेखक, तो उन्हें नहीं पता था क्या करना है। आई अगैन लेट डाउन, मैं फिर से लेट गया, ऐसा लेखक ने कहा। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिडंट सीम टू एंड, और ऐसा लगा था जैसे लोग जोर जोर से ताली तो बजा ही रहे हैं लेकिन तालियों का कोई अंत ही नहीं था, ताली बजते ही जा रहा था। विसलिंग क्लैपिंग एंड लाफ्टर एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, बहुत देरों तक लोग चिल्ला रहे थे, सीटी बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत प्रकार की वहाँ पे चल रहा था चीज़ें, ठीक है, और मैं लेटा हुआ, ऐसा लेखक ने कहा। दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन माई लाइफ, और ये मेरी है फर्स्ट रोल इन माई लाइफ, इस प्रकार का रोल रहा मेरे जीवन में जब मैंने पहली बार रोल निभाया था, ऐसा लेखक ने कहा। दैट्स ऑल, इतनी थी आपकी ये स्टोरी सरवन कुमार, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, यदि आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो सच में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे, और हम आपको यही कहेंगे कि हम आपको बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत मेहनत करेंगे इस पर और आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।